शोले मूवी तो सबने देखी होगी और गब्बर का डायलॉग याद है ना, कितने आदमी थे। जी हाँ, तो आज आपको लेके आए हैं गब्बर के कड़ी चावल खिलाने। भाई गब्बर को बसंती तो मिली नहीं, बट उसने कड़ी चावल की दुकान जरूर खोल ली है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखना और शेयर जरूर करना। तो चलिए गब्बर जी से बात करते हैं। आप है क्या गब्बर? हाँ जी सर। शोले मूवी वाले? हाँ जी सर। थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे, नाम कैसे पड़ा गब्बर कड़ी चावल? ये शोले फिल्म आए थे ना सर। हाँ जी। तो हमारी दादी फिल्म देख के आए थे। ओके। उस टाइम का जन्म है मेरा, तो उसने नाम आते ही गब्बर रख दिया मेरा। अच्छा, ओ भाई, जब से इसका नाम गब्बर कड़ी चावल पड़ गया, दुकान का नाम भी गब्बर ही पड़ गया। अच्छा, ओके, वो यही। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गब्बर के कड़ी चावल पे। और ये देखिए जी भाई, एकदम गाड़ी गाड़ी कड़ी है। अरे वाह, रंगत देखिए आप कड़ी का, एक बार रंगत चेक करिए, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में कड़ी। और ऐसे ही इसको हिला के यहाँ पे काढ़ा जाता है इस कड़ी को, और कड़ी का नाम ही कटना होता है। ये देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे कड़ी कट रही है, और एकदम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे लाल मिर्ची ऊपर। तो ये देखिए जी भाई, भवंटर घुमा दिया इन्होंने यहाँ पे। तो थोड़ा सा बताएंगे कितनी पुरानी दुकान है ये भाई साहब? 45 साल हो गए। 45 ईयर्स पुरानी है? अरे क्या बात है। तो मतलब आपके यहाँ स्पेशल क्या है, कड़ी चावल ही खाते जाते लोग? कड़ी चावल सही है, और राजमा चावल भी है। नाम कड़ी चावल से? नाम कड़ी चावल से। तो कड़ी की प्रिपरेशन थोड़ा बताएंगे कैसे बनती है? जैसे घर बनती है वैसे बनती है, एकदम घर जैसे वाली। हाँ जी। ओके। इसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हम। अच्छा, लहसुन प्याज नहीं डालते? नहीं डालते। बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को कि लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता। हाँ। तो यहाँ पे कड़ी होती है और यहाँ पे राजमा। राजमा दिखाएंगे एक बारी। और ये देखिए जी भाई, बहुत ही बढ़िया, एकदम पंजाबी स्टाइल में राजमा बनाए गए हैं। अलग सी फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत ही बढ़िया आ रही है राजमा की खुशबू भी। तो भाई साहब यहाँ पे राजमा चावल भी मिलते हैं, ये देखिए आप चेक कर लीजिए राजमा चावल। और ये आगे जी भाई इनके राइस, और एक एक दाना आपको यहाँ पे भाई साहब खिला हुआ मिलेगा। बासमती राइस यूज करते हैं ये। और ये आगे जी कड़ी, और अब आएगी जी भाई साहब कड़ी। पकौड़े देखिए भाई, पकौड़े भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सर्व करते हैं ये। और कड़ी देखते ही भाई मज़ा आ रहा है, को चाहिए वो प्याज ले सकता है। और ये आ गया इनका मसाला और हरी चटनी। और भाई अगर पंजाबी हैं तो भाई राजमा चावल के साथ हरी चटनी और प्याज तो चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ कड़ी चावल के साथ भी। चलिए ट्राई करते हैं, और एक बार आप कड़ी चावल चेक करिए। बड़े बड़े पकौड़े हैं यहाँ पे, और उन्होंने फ्राइड मिर्च मसाला डाल के बढ़िया तरीके से सर्व करते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस। भाई कड़ी खाते ही मज़ा आ गया, और एकदम गाढ़ी गाढ़ी कड़ी है, जैसे हमारे घर पे बनती है ना, बिल्कुल वैसी कड़ी बनी है। थोड़ी सी भाई उन्होंने मसाला जो ऊपर से डाला है, कड़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये देखिए एक बारी आप पकोड़े देखिए, प्यार से टूट रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मज़ा आ रहा है खाने में। भाई जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना, उनके लिए तो परफेक्ट है। जो स्पाइसी कम खाते हैं तो आप मसाला थोड़ा कम डलवाएं, ओवरऑल अच्छी है। थोड़ा छोटा सा था मैं जब से कड़ी चावल खा रहा हूँ, ये रेडी लगा देते हैं आज की, अब दुकान है, टेस्ट इनका एकदम से हो सकता है। वही टेस्ट है आज भी वही टेस्ट है, जब भी वही टेस्ट है, और आज भी वही टेस्ट है। बहुत बढ़िया। तो आप कब से खा रहे भाई साहब? मैं भी बचपन से साथ दोनों आते थे भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। एक बार यहाँ पे आना तो जी बनता ही बनता है, और यहाँ पे आके इनके गब्बर के कड़ी चावल जरूर ट्राई करें। और इसी के साथ अगर आपको ये बार वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दिल्ली से है तो यहाँ पे जल्दी आ जाओ, फटाफट भाग के आ जाओ। और इसी के साथ हम ये वाली वीडियो एंड करते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब है।